राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा, भारत में इसका प्रभाव कैसा रहेगा, ग्रहण कब शुरू होगा, ग्रहण के समय हम क्या करें और ग्रहण की समाप्ति के बाद हमें क्या करना चाहिए, साथ ही शरद पूर्णिमा पर हम खीर का भोग कब लगाएं। बंधुओं, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शरद पूर्णिमा की रात इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जो भारत में दिखाई देगा, इसलिए इस ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा। धर्म शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण का समय साधकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। ग्रहण में किए गए मंत्र जप अनुष्ठान से न सिर्फ सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बल्कि साधक की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसलिए धर्माचार्यों के मुताबिक शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारात्रि कहा गया है। इस महारात्रि में भगवान कृष्ण ने महारास लीला की थी। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पूर्णिमा को मां महालक्ष्मी की पूजा करने से दीपावली की पूजा के समान फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण की घटना साधकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जो साधक इस पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण के समय अपने इष्ट देव युगल सरकार श्री राधा कृष्ण और मां महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करेंगे, उन्हें अभीष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी, साथ ही साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को बैसाख पूर्णिमा के दिन लगा था, जिसका प्रभाव भारत में न होने की वजह से सूतक भी नहीं लगा था, लेकिन आश्विन पूर्णिमा के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में सभी जगह दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक भी मान्य होगा। आइए जानते हैं ग्रहण की तारीख और समय। आश्विन पूर्णिमा यानी 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि में लगेगा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण खंड ग्रास के रूप में भारत में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि 1:05 से शुरू होगा और रात 2:24 पर समाप्त होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से सूतक शुरू होगा। सूतक शुरू होने से पहले ही अपने घर के मंदिर के कपाट बंद कर दें। सूतक शुरू होने से पहले खाने पीने की वस्तुओं में कुसा या तुलसी पत्र डाल देना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय स्नान कर सूती या ऊनी वस्त्र धारण कर मानसिक रूप से मंत्र जप करें। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान खान पान से परहेज रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के दौरान घर से बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। सूतक लगने के बाद पूजा पाठ की चीजों को स्पर्श न करें। चंद्र ग्रहण के दौरान हमें इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। आइए अब आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के पूरा हो जाने पर क्या करें। ग्रहण समाप्ति के बाद हमें स्नान कर अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। स्नान करने के बाद हमें गंगा जल से पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद मंदिर के कपाट खोलकर गंगा जल से भगवान का अभिषेक करना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचने के लिए गाय को रोटी या हरा चारा खिलाना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। बंधु, शरद पूर्णिमा की रात्रि को ग्रहण होने की वजह से खीर का भोग ग्रहण समाप्ति के बाद ही लगाया जा सकता है। भगवान को भोग लगाने के लिए खीर ग्रहण समाप्ति के बाद स्वयं स्नान कर रसोई को पूर्ण शुद्ध करने के बाद तैयार करें। इसके बाद मंदिर के कपाट खोलकर भगवान को स्नान कराने के बाद खीर का भोग लगाएं। उस खीर को भी चंद्रमा की रोशनी में ग्रहण के बाद ही रखें। बंधु, इस तरह से चंद्र ग्रहण के दौरान आप इन सावधानियों को ध्यान में रखें, साथ ही चंद्र ग्रहण के अमूल्य समय का लाभ उठाएं।